क्या हुआ? कैट एग्जाम नहीं क्रैक होगा ना? मॉक्स में नंबर इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। सर मेरी प्रेपरेशन ट्रैक पे ही नहीं है, LRDI में मैं सेट पिक नहीं कर पाता, क्वांट्स के कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आते, वर्बल में एक्यूरेसी बनी नहीं रही है। मुझे कैट छोड़ देना चाहिए सर, कुछ और देखता हूँ लाइफ में, ये एग्जाम मेरे बस का नहीं है। चलो आज आपको कुछ कहानियां सुनाता हूँ, आज आपके साथ कुछ बातें करते हैं। एक इंसान की बात कर रहा हूं जिसने एक स्टार्टअप अपना ट्राई किया, उसने कहा मैं चॉकलेट बनाऊंगा और वो फेल हो गया। उसने दूसरा स्टार्टअप किया जिसमें उसने कहा कि मैं दूसरे टाइप की चॉकलेट बनाऊंगा, वो भी फेल हो गया। फिर इसने तीसरा स्टार्टअप किया, इसने कहा मैं अपना वेंचर लगाता हूं एंड मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स बनाऊंगा, वो भी फेल हो गया। इतने फेलियर्स के बाद एक इंसान क्या करता? वो अपने बिजनेस आइडियाज को बंद कर देता। लेकिन इसने कहा एक और ट्राई करते हैं। इसने एक और ट्राई किया, एक बार मिल्क चॉकलेट बनाई और वो इतनी पॉपुलर हो गई कि आज की डेट में पूरी दुनिया में इस ब्रांड को हर कोई जानता है। मैं बात कर रहा हूं हर्शीज की। आज की डेट में जब आप चॉकलेट की बात करते हो तो हर्शीज का नाम उसके साथ आता ही आता है। इनके फाउंडर जो थे मिल्टन हर्शी, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला आई फेल्ड, इट वॉज अ बैड बिगिनिंग, आई सपोज आई नेवर वुड हैव डन एनीथिंग If I had not kept coming back, he kept trying. एक और कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था जिसने कहा मैं एक ट्रैफिक की कंपनी बनाता हूं, ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि पार्किंग के प्रोसेस को कैसे स्मूथ किया जा सकता है। आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, सारी मेहनत सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। अगर आप होते या कोई और होता तो डीमोरलाइज हो जाता, डीमोटिवेट हो जाता। लेकिन ये इंसान ने कहा कि ये आइडिया नहीं चला तो एक नेक्स्ट ट्राई करते हैं, और ये इंसान दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की, जिन्होंने अपने पहले स्टार्टअप में फेलियर से सीखा कि मुझे अब नेक्स्ट स्टार्टअप में क्या गलतियां नहीं करनी। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने वहां से अंडरस्टैंडिंग बनाई और वहां से इंप्रूवमेंट लिया। इन्होंने कहा इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू हीट द lessons ऑफ द फेलियर। मैं आपसे बात करता हूं इस इंसान की जिसने एक इतनी अच्छी कंपनी बनाई कि ये टॉप कंपनीज में पहुंच गई, जिस कंपनी को इसने स्क्रैच से बनाया, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया, इसको थ्रो कर दिया गया, इसको फायर कर दिया गया और बोला गया तुम हमारी कंपनी के लिए बेकार हो। कोई और इंसान होता तो शायद गिव अप कर देता। जिस कंपनी में आपने पूरी की पूरी मेहनत करी है उसी कंपनी से अगर आपको निकाल दिया जाए तो शायद बुरा लगता, बट इंसान ने कहा आई डोंट केयर। इसने नई कंपनी बनाई और इतनी बेहतरीन कंपनी बनाई कि बाद में जिस कंपनी से इसको निकाला गया था इसको वापस बुलाया गया और कहा कि आप इस कंपनी को संभालो। मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स की, जिनको अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया था, एप्पल से ही निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने नई कंपनी बनाई नेक्स्ट और वो इतनी पावरफुल कंपनी बनाई कि लेटर ऑन एप्पल ने इसको एक्वायर कर लिया एंड स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बने एंड दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम आई डिड नॉट सी इट देन बट इट टर्न्ड आउट दैट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू मी। अगर हमें यहां से भी कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिला तो मैं इस इंसान की बात करता हूं जिसको पूरी दुनिया ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर कहती है। मैं बात कर रहा हूं माइकल जॉर्डन की, लेकिन माइकल जॉर्डन अपने आप के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स। जिस प्लेयर को आज के डेट में दुनिया का बेस्ट प्लेयर माना जाता है, वो प्लेयर स्टार्टिंग में जब बास्केटबॉल खेलना शुरू कर रहा था तो इनके कोच परेशान थे कि ये बंदा तो बॉल भी सही से थ्रो नहीं कर सकता, इसकी तो हाइट भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही, ये क्या ही खेलेगा। लेकिन प्योर हार्डवर्क इस इंसान ने दिखाया। हम इस इंसान की बात करते हैं जिसने बहुत सारी चीजें ट्राई की, सब में फेल हो गया, बहुत सारी कंपनियों से इसको निकाल दिया गया, इसको बोला गया तू बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से होगा ही नहीं। इस इंसान को सेल्फ डाउट नहीं हुआ, इस इंसान ने कहा ठीक है आप मुझे कंपनी से निकाल दो, मैं अपना ट्राई करूंगा। और इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे हमें दिया मिक्की माउस। मैं बात कर रहा हूं वॉल्ट डिज्नी की, एंड डिज्नी वर्ड जैसे ही आता है आप सारे के सारे लोग अपने चाइल्डहुड को रिवाइव कर पाते हो। इस इंसान जिसको बोला गया तुम बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो, इन्होंने पूरी दुनिया का चाइल्डहुड मेमोरीज क्रिएट की,
इतने अमेजिंग कैरेक्टर्स लेके आए एंड दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बन पाए। इन्होंने क्या बोला, वी डोंट लुक बैकवर्ड्स फॉर वेरी लॉन्ग, वी कीप मूविंग फॉरवर्ड ओपनिंग अप न्यू डोर्स। एंड इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इस इंसान की, जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का। इन्होंने क्या बोला, आई फेल्ड अ की प्राइमरी टेस्ट स्कूल फॉर टू टाइम्स, आई फेल्ड थ्री टाइम्स फॉर मिडिल स्कूल्स, फॉर द थ्री इयर्स आई फेल्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड एवरीवेयर ही वॉज रिजेक्टेड। जहां भी ये जॉब के लिए ट्राई करते थे रिजेक्ट। ये KFC के लिए अप्लाई करने गए, 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 लोग सेलेक्ट हो गए, आई वॉज द ओनली वन हु गॉट रिजेक्टेड। इन्होंने हार्वर्ड में 10 टाइम्स ट्राई किया, एवरी टाइम ही गॉट रिजेक्टेड। एंड इतने के बाद भी इस इंसान ने क्या बोला, नेवर गिव अप। और इन्होंने फाइंड करी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अलीबाबा, और मैं बात कर रहा हूं जैक मा की। हम सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, हम सबको एक मोमेंट पर लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम सबको ये लगता है कि मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन जो डिफरेंस है एक विनर और एक लूजर में, वो सिर्फ इतना सा है कि लूजर गिव अप कर देता है, विनर कहता है लेट्स ट्राई वंस मोर। अ विनर इज नो वन बट अ लूजर हु ट्राइड वंस मोर। आपको ये लगता है कि मेरे कैट में नंबर नहीं आ सकते, मेरे मॉक में स्कोर कम है, मेरे से LRDA नहीं हो रहा, मेरे पास क्वांट्स नहीं हो रहा, अगर नहीं होगा तो एग्जाम में रिजल्ट आ जाएगा ना, तुम अभी से अपने आप को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। अभी आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो टाइम मेरे पास बचा हुआ है एग्जाम में, क्या मैं वो सारे की सारी मेहनत कर दूं और इतना एफर्ट लगा दूं कि बाद में मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैं इससे बेटर कर सकता था। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 500 आवर्स की स्टडी। इट्स नॉट द फेलियर व्हाट स्टॉप्स अस, इट्स द फियर। आपके माइंड में डर बैठ चुका है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं। वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव थॉट्स आपको सेल्फ डाउट क्रिएट कर रही है, आपको अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा। आपका ऑब्जेक्टिव इस समय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मैं अपना एफर्ट दूंगा, इम्पॉसिबल नहीं है। 76 क्वेश्चन मेरे पेपर में आने हैं, तो अगर आपको किसी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप में एक क्वेश्चन मिला है जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आपने बुक ओपन करी, आपसे एक टॉपिक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैट के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि 99% लाने के लिए आपको एक्चुअल एग्जाम में 34 क्वेश्चन करेक्ट करने थे लास्ट ईयर, विच इज लेस देन हाफ ऑफ द पेपर। मुझे 95% अगर अचीव करना था तो मुझे 76 मार्क्स चाहिए थे, विच मीन 25 क्वेश्चन मुझे करेक्ट करने थे, विच इज नॉट इवन 1/3 ऑफ द पेपर। तो अगर आप अपने जितने भी रिमेनिंग डेज है उसमें पूरी जान लगा दो, उसमें आप फुल फ्लेज्ड अपना एफर्ट लगा दो कि सर मैं तैयारी करूंगा एक एक चीज पे, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूं। मैंने आपको जितनी भी अब तक स्टोरीज बताई वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फेलियर अपनी लाइफ के थे, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन पाए। अगर मैं यही चीज कैट में रेप्लिकेट करूं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं आपको अपनी स्टोरी सुना सकता हूं जिनके लास्ट के 2-3 months में स्कोर्स बिल्कुल चेंज हो गए। आदित्य गोयल 40-50% जिस बच्चे की मॉक्स में आ रही थी, एक्चुअल एग्जाम में 97.89। क्यों? क्योंकि गिव अप नहीं किया, लर्निंग कंटिन्यू रखी, ये देखा कि मेरे मॉक्स में नंबर क्यों कम क्यों आ रहे हैं और फिर एक्चुअल एग्जाम में उसको इंप्रूव किया। आरुषि गर्ग 95.25%, करेंटली आई एम बेंगलोर की स्टूडेंट है, 2 महीने में पूरी की पूरी तैयारी करी है। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने उजस की 98.73, जिसने लास्ट के 2 months में स्कोर को चेंज कर लिया, 98.56 लास्ट के 2-3 months में स्कोर को चेंज करा है, 98.29 सैनी की, जिसने लास्ट के 2-3 months अपनी पूरी जान लगा दी, राघव 98.18 एडवांस वर्कशॉप ने लास्ट में ज्वाइन की थी एंड लास्ट मंथ में अपने स्कोर को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, सौम्या गुप्ता 97.16 2 months में अपना पूरा स्कोर ड्रेस्टिकली चेंज करा, जया 96.08, हर्षित 96.07 2 months में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा और ये परसेंटाइल अचीव करी। आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी स्टोरी देख सकते हो जिन्होंने पिछले सालों में कम स्कोर करा। शेफाली शर्मा 70% 2019 और 92.01 2020 में, एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। हर बच्चे की अपनी जर्नी होती है, सिर्फ 99% वालों से आप इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, एक ऐसे स्टूडेंट से इंस्पिरेशन ले सकते हो जिसने भाई प्रीवियस ईयर में 67 स्कोर किया था और 20 में 90.58। आप एक ऐसे स्टूडेंट से इंस्पिरेशन ले सकते हो जिसने 2019 में 42% अचीव करी, जिस इंसान ने बिल्कुल गिव अप कर दिया, आई लॉस्ट होप, क्योंकि इस इंसान ने जॉब भी छोड़ दी थी, समझ नहीं आ रहा था अब करूं तो करूं क्या, इस इंसान ने नेक्स्ट ईयर 90.14% अचीव किया।
तो सर अगर आप इस माइंडसेट के साथ रेडी हो कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो जो आपके पास लिमिटेड टाइम है आप उसमें भी चीजें टर्न अराउंड कर सकते हो, आप उसमें भी अपना स्कोर ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, वेल एंड गुड, आप ज्वाइन करो, लेकिन आपको अपने आप को ये श्योरिटी देनी पड़ेगी, सर जो आप एक्शन प्लान साथ में दे रहे हो उसको मैं फॉलो करूंगा। जो कैट का क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है उसमें एक एक चीज का ध्यान रखा गया है कि सारे टॉपिक बेसिक से कैसे करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको पोर्टल दिया गया है, डाउट फोरम आपको दिया गया है, फुल लेंथ मॉक्स विद डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के सारे वीडियो लेक्चर दिए गए हैं, रिविजन के लिए आपको पूरा पूरा प्लानर दिया गया है, एक टाइम टेबल दिया गया है जिससे पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को यह श्योर कराना पड़ेगा कि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, और अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, पूरी मेहनत करो, एक तपस्या करो नेक्स्ट 2 मंथ्स तक, एंड अपने आप को ये प्रॉमिस करो कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, रिफ्लेक्ट एंड एक्सेप्ट द फेलियर। हमारे किसी मॉक में नंबर नहीं आए, कहीं पे हमारा चैलेंज क्रिएट हुआ है, क्वांट में इंप्रूव अभी तक नहीं कर पाया, तो मैं अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, आई विल रीविजिट माई पैशन, क्योंकि मेरा ड्रीम है मुझे उस कॉलेज में जाना है। सो नो मैटर वॉट यू विल कीप परसुइंग योर गोल्स। इज इट क्लियर? नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये जो मैंने आपको स्टोरीज बताई है, जो एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी बताई है, जो स्टूडेंट्स की स्टोरी बताई है जिन्होंने अपने स्कोर्स को टर्न अराउंड कराए, उसको आपने एज अ इंस्पिरेशन लिया कि नहीं लिया। एंड डेली आपको नेगेटिव नहीं होना है, ये जो लास्ट के 2-3 मंथ्स होते हैं यहीं पे चीजें पूरी की पूरी डिसाइड होती है, यहीं पे सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव इंटेंट और अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखोगे अलॉन्ग विद कंसिस्टेंसी, तो आप अभी भी अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो एंड ड्रीम कॉलेज में एंटर कर सकते हो, क्योंकि हमारा मोटो बहुत क्लियर है दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अनटिल वी कंप्लीट। तो अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डेमो क्लासेस ले सकते हो, अदरवाइज आप वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके एनरोल कर सकते हो, वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।